वांछा कर्तनुभयश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो कल हमारी परिक्रमा रुकी थी मानगढ़ पर। मानगढ़ पर हमने वो प्रसंग देखा जब कृष्ण कृष्ण जी राधा रानी से मिलने के लिए आ रहे थे, लेकिन रास्ते में चंद्रावली की सखी ने, जो उनकी विपक्ष ग्रुप है, राधा रानी के जो अपोजिट ग्रुप है, जो राधा रानी से एनवी करती है चंद्रावली, तो उनके ग्रुप की एक सखी ने कृष्ण को रास्ते में रोक लिया। उसके सामने ऐसे बताया, प्रेजेंट किया कि चंद्रावली जो है बहुत दुखी है, बहुत विरह में है, तो आप पहले उससे मिल लो, फिर आप चले जाना। तो ऐसे करके वो कृष्ण भगवान को, कृष्णा जी को ले जाती है चंद्रावली के कुंज में। और फिर वहाँ चंद्रावली के साथ बातचीत करते 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 कृष्ण को पता ही नहीं चलता कि कब सुबह से शाम हो जाती है। और वहाँ पर राधा रानी की जो साड़ी है, साड़ी कभी कभी मैना भी हो सकती है, साड़ी कभी कभी फीमेल पैर भी होती है, तो जो साड़ी है उसने देख लिया कि कृष्ण जो है चंद्रावली के साथ उसके कुंज में हास परिहास किए जा रहे हैं। और फिर वो जाकर राधा रानी को सारा कुछ बता देती है कि कृष्ण क्या क्या कर रहे हैं चंद्रावली के कुंज में। तो जब राधा रानी ये बात सुनती है तो उनको बहुत मान हो जाता है, वो बड़ी उदास हो जाती है कि कृष्ण ने मुझसे मिलने का प्रॉमिस किया, यहाँ नहीं आकर वो चंद्रावली के पास चले गए। तो वो चंद्रावली के पास चले गए। तो ये सुन के राधा रानी बहुत दुखी होती हैं, और फिर उनका ऐसा मान हो जाता है कि वो मन ही मन ठान लेती हैं कि अब मैं ऐसे कृष्ण से कोई प्रयोजन नहीं रखूंगी, मैं अब मुझे अब कृष्ण से कुछ लेना देना नहीं। तो इस इधर समय बीतने पर कृष्ण जब उनके निकट आते हैं, तब श्रीमती जी ने उनकी तरफ से अपना मुख ही मोड़ दिया, यानी अपना मुंह मोड़ के वो बैठ जाती हैं। श्री कृष्ण ने उनका कठोर मान देखकर साम राम हर तरीके से उन्हें मनाने की कोशिश की, साम राम दंड भेद नीति के द्वारा उन्हें समझाने की सारी चेष्टाएं की, फिर भी जब उनका मान नहीं टूटा तब कृष्ण निराश होकर, दुखी होकर वहां से चल देते हैं। रास्ते में उन्हें विशाखा सखी मिलती है, तो विशाखा सखी से उनकी बातचीत होती है, उन्हें पता चलता है विशाखा सखी को कि क्या हुआ है। तब वो उन्हें एक स्त्री सखी का रूप देती हैं, कृष्ण को एक स्त्री का रूप वेश देती हैं, और उनके हाथ में वीणा पकड़ा देती हैं, और उनको उनको इस रूप में ले जाती हैं राधा रानी के पास। विशाखा जी ने इस नई नवेली सखी का नाम श्यामा सखी बताते हुए उनका परिचय देती हैं राधा रानी से, और उनसे कहती हैं कि ये जो सखी है श्यामा सखी, ये वीणा वादन में पारंगत है, यानी बहुत सुंदर वीणा बजाती हैं, इनकी संगीत कला का भी कोई सानी नहीं है, कोई इनकी तरह गा नहीं सकता, और इनके अंदर इतने बड़ी गुणवंती हैं, ये पास ही गांव में रहती हैं। इस तरह बोल के वो राधा रानी से विशाखा सखी कृष्ण का परिचय करवाती हैं। फिर राधा रानी बड़े आदर और सम्मान के साथ श्यामा सखी को निकट बैठा कर अपने पास बिठाती हैं, फिर उसे संगीत सुनती हैं, और वो संगीत सुन के वो एकदम भाव विभोर हो जाती हैं, और फिर उसका उनका आलिंगन करती है, उन्हें हग करती है कृष्ण को। तो जैसे ही वो कृष्ण को गले से लगाती हैं, ते वैसे ही उन्हें उस आलिंगन से, स्पर्श मात्र से ही पता चल जाता है कि ये तो मेरे श्याम सुंदर हैं, और फिर वो पहचान लेती है। और अब क्योंकि उन्होंने उनको गले से लगाया हुआ है, और फिर जब उन्हें एहसास होता है कि ये तो मेरे श्याम सुंदर है, तो अब उनका मान जहाँ का तहाँ धरा रह जाता है, यानी उनका मान टूट जाता है। फाइनली उन्होंने तो ठान के रखा था कि अब मुझे श्याम सुंदर से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन विशाखा सखी की कृपा से उनका मान टूट जाता है, और सखियों के बीच घिरी हुई होकर वो दोनों अपने लीला विलास में रम जाते हैं। तो हम हमेशा देखते हैं कि राधा रानी भी मान लेती है, जैसे आम हमें देख के ऐसे लगता है कि जैसे इस मटेरियल वर्ल्ड में स्त्रियां मान लेती हैं, बट यहाँ पे डिफरेंस है।
जब इस मटेरियल वर्ल्ड की विमेन्स मान लेती हैं, तब उन्हें कुछ डिजायर होता है, उन्हें अपने पति से या अपने बॉयफ्रेंड से कुछ चाहिए होता है, इसलिए वो मान लेती हैं, यानी कुछ डिजायर्स के कारण, कुछ मटेरियल डिजायर्स के कारण। लेकिन जब राधा रानी मान लेती हैं, तो कभी कभी राधा रानी किसी कारण से मान लेती है, कभी कभी वो बिना कारण के भी मान ले लेती है। तो वो मान इसलिए लेती हैं क्योंकि जब वो मान लेती हैं तो कृष्ण कृष्ण के अंदर हृदय में ये इच्छा होती है कि राधा रानी का प्रेम, राधा रानी कितना प्रेम करती है तो मैं भी राधा रानी से उतना ही प्रेम करूं, लेकिन वो नहीं कर पाते। तब राधा रानी मान लेती है, तब कृष्ण उनके विरह में होते हैं, तब उन्हें लगता है मैं कैसे राधा रानी को मनाऊंगी, कैसे उनको, मैंने उनको इस विरह में, उन्हें कृष्ण राधा रानी के प्रति बहुत प्रेम महसूस होता है, और इसलिए राधा रानी बार बार कभी कभी कारण से, कभी कभी बिना कारण से मान लेती है। कभी कभी क्या होता है कि एक बारी कृष्ण राधा रानी कृष्ण से मिलती हैं, तो कृष्ण का जो चेस्ट है वो जैसे मिरर की तरह चमकता है, उसमें वो अपना ही परछाई देखती है, मिरर में जो अपना रिफ्लेक्शन होता है कैसे दिखता है, तो राधा रानी को कृष्ण के चेस्ट पर अपना ही रिफ्लेक्शन दिखता है। तो वो अपना रिफ्लेक्शन देख के ये सोचती है कि कृष्ण जो है वो किसी और स्त्री से मिलकर आए हैं, और फिर वो मान ले लेती है। यानी यहाँ पर कृष्ण उनको बहुत समझाने की कोशिश करते हैं कि ये आप ही हो, ये कोई और नहीं है, लेकिन वो मानती ही नहीं है। तो इस तरह राधा रानी कभी कभी बहुत, उनका मान भी ऐसा होता है कि कृष्ण को उन्हें बहुत मनाना पड़ता है, बहुत मनाना पड़ता है, कभी कभी सखियों का हेल्प लेना पड़ता है, लेकिन ये भी वो कृष्ण के सुख के लिए करती है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि राधा रानी का मान इस संसार के किसी स्त्री के मान के जैसे नहीं है, उनका मान भी कृष्ण के लिए है, और वो मान इसलिए लेती है क्योंकि उन्हें पता है कृष्ण जब उन्हें मनाएंगे तो कृष्ण को बहुत आनंद आएगा। वो तरह तरह का वेश धरते हैं, कभी वो स्त्री का रूप बन के उनके सामने गाना गाते हैं, कभी वो घूंघट ओढ़ के आ जाते हैं और कुछ बताते हैं। तब राधा रानी की उन्हें बात सुनने को, क्योंकि जब राधा और कृष्ण परस्पर एक दूसरे के सामने होते हैं, तब वो दोनों ओपनली एक दूसरे को कभी अपने प्रेम को नहीं बताते, वो कभी नहीं बोलते कि जैसे हम नॉर्मली इस वर्ल्ड में देखते हैं कि लोग अपने प्रेम को एक्सप्रेस करते हैं। तो एक बार एक लीला में राधा रानी कृष्ण जो है वो स्त्री के रूप में आते हैं और घूंघट ओढ़ के आते हैं, और फिर तब वो कृष्ण के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, और तब उनके मन में इच्छा होती है कि राधा रानी के हृदय में मेरे लिए क्या भावना है मैं जानूं। तब राधा रानी बोलती है कि जो प्रेम है हम दोनों के बीच में, वो कृष्ण की बड़ी तारीफ करती हैं और फिर बताती हैं कि जब हमारा प्रेम कम होने लगता है तो जो हमारी सखियां हैं वो उसे बढ़ा देती हैं। और वो बोलती है राधा रानी कृष्ण को कि हमें अपने प्रेम को कभी एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम प्रेम को एक्सप्रेस करते हैं तब वो प्रेम वहीं पे खत्म हो जाता है। इसलिए जब कृष्ण और राधा रानी आमने सामने होते हैं तो वो एक दूसरे की कोई तारीफ वगैरह नहीं करते, लेकिन इस तरह कृष्ण कभी कभी राधा रानी मान लेती है तो वो कृष्ण किसी और वेश में आते हैं, और तब वो राधा रानी के हृदय की सारी बातों को जान लेते हैं, अपने बारे में जानता है, तब उन्हें एहसास होता है कि राधा रानी मुझसे कितना प्रेम करती है। तो ये जो मान लीला होती है राधा रानी की, ये कृष्ण को ही सुख देने के लिए होती है। देव गंधर्व रम्याय राधा मान विधायिनी, मान मंदिर संज्ञाय नमस्ते रतन भूमये, आदि भराय पुराण में आता है कि मानगढ़ में मान मंदिर, झूला, रास मंडल और रत्नाकर सरोवर आज भी दर्शनीय है। मयूर कुटी, मयूर कुटी की भी लीला बहुत सुंदर है। तो यह ब्रह्मांचल पर्वत, जो ब्रह्मा जी पर्वत बन के हैं, उस ब्रह्मांचल पर्वत के ऊपर स्थित है। यहाँ रास मंडल है, रास मंडल में श्रीमती राधिका और कृष्ण मयूर एवं मयूरी के रूप में नृत्य करते हुए दर्शनीय है। यहाँ पे कृष्ण और राधा रानी दोनों मयूर और मयूरी बन के नाचे थे। किसी समय की बात है, जब सखियों के साथ श्रीमती राधिका एवं कृष्ण यहाँ उपस्थित हुए, तो उन दोनों को देखकर, राधा रानी और कृष्ण को देखकर, वहाँ पे बहुत सारे मयूर आ गए, बहुत सारे मोर आ गए, उनका पूरा समूह आ गया, और आनंद में भर के राधा कृष्ण को देखकर सारे मोर जो हैं वो नृत्य करने लगे। आकाश में उमड़ उमड़ के बादल भी आ गए, बारिश होने लग गई, रिमझिम रिमझिम वर्षा होने लगी। तो
वहाँ की प्रकृति मानो 16 सिंगार किए, 32 आभरण धारण किए, रमणीय रमणिका का सब बड़ा ही सुंदर रूप धारण कर रखा था, यानी पूरा आकाश जैसे सुंदर से सज गया था बारिश के कारण। और फिर राधा कृष्ण भी अपने आप को संभाल नहीं सके, वे भी मयूर मयूरों के साथ मयूर मयूरी बनकर अद्भुत रूप से नृत्य करने लगे। तो उनका ये नृत्य कौशल देखकर सभी सखियां आश्चर्यचकित हो गई तथा वे भी मल्हार आदि नाना प्रकार के रागों से संगीत के द्वारा उन दोनों का आनंद वर्धन करने लगी। कीर्ति ने नमस्तुभ्यं मयूर प्रिय वल्लभा सुरम्याये महाकुटे शिखंडी पदवेशमने नमा सखी समेताय राधा कृष्णाय ते नमा विमलोत्सव देवाय ब्रज मंगल हेतवे। यह आता है ब्रह्म पुराण में विलासगढ़। ये विष्णु पर्वत के उपस्थित है। यहाँ राधा कृष्ण दोनों के विविध प्रकार के खेल विलास हुए हैं। इसके पास ही राधा जी का सखियों के साथ दूल्हा खेलने का स्थान है। इसका प्रसंग कुछ इस प्रकार है। ये लीला एक दिन कुमारी राधिका अपनी सखियों के साथ दूल्हा खेल रही थी। हठात कौतुकी कृष्ण वहाँ उपस्थित हो गए। सखियों ने उन्हें भीतर आने के लिए मना किया, किंतु श्री कृष्ण भला क्यों मानते, वे बलपूर्वक भीतर प्रवेश करने लगे। उसी समय देव इच्छा से एक आंधी आई और सारा आकाश धूलि से व्याप्त हो गया। आकाश में धूल भर गया तो कहीं कुछ भी नहीं सूझ रहा था। सखियों ने डर कर हाथों से अपनी आंखें मूंद ली। तो कृष्ण इस अवसर पर किशोरी राधिका का आलिंगन कर उनका मुख चुंबन करने लगे। वह संधि समय या लीला संपन्न हुई थी। तो जहाँ यह लीला हुई वही आज विलास मंदिर है। विलास रूपी ने तुभ्यं नमः कृष्णाय ते नमः सखी वर्ग सुखाप्ताय क्रीड़ा विमल दर्शिने। तो सखी वर्ग को आनंदित करने के लिए विमल क्रीड़ा करने वाले क्रीड़ा विलास रूपी श्री कृष्ण को नमस्कार। चिकसौली, द नेक्स्ट लीला स्थली इज चिकसौली। सांक्रिखोर और गहवन वन के बीच में ब्रह्मांचल पर्वत के नीचे यह ग्राम स्थित है। अस्तर सखियों में से अन्यतम श्री चित्रा सखी का यह जन्म स्थान है। यहाँ पे चित्रा सखी का जन्म हुआ था और चित्रा सखी के पिता का नाम चतुर्गोप है और माता का नाम चर्चिता गोपी था और इनका विवाह जावत में विथर गोप के साथ हुआ था। यानी जितनी भी सखियाँ हैं उन सबका विवाह भी जावत में ही हुआ है। जावत जो है राधा रानी का ससुराल है। तो चित्रा सखी जो बहुत सुंदर चित्र बनाती हैं, कृष्ण के चित्र बनाकर राधा रानी को देती हैं, तो ये चित्रा सखी का विवाह भी जावत में हुआ था। और ये श्रीमती राधिका की नाना प्रकार की विचित्र वेशभूषा श्रृंगार आदि करने में अत्यंत दक्ष है। ये राधा रानी को बहुत सुंदर सुंदर तरीके से सजाती हैं, अलग अलग उनको रूप देती हैं, उनका अलग अलग तरह से श्रृंगार करती हैं तथा ये चित्रकला पशु पक्षियों की भाषा समझने में और आदि विविध कलाओं में पारंगत है। तो ये लीला कुछ इस प्रकार है कि किसी समय वृषभानु कुमारी राधिका अपनी सहेलियों के साथ यहाँ पर खेल रही थी। तो इतने में उन्होंने दूर से श्री कृष्ण की मुरली की बड़ी ही मधुर और आकर्षक स्वर लहरी को सुना, श्रवण किया। इससे वे इतनी मुग्ध हो गई कि अपना तन मन सब कुछ उस मधुर मुरली वाले के ऊपर न्योछावर कर दी। वे उससे मिलने के लिए आतुर हो उठी। इसी समय चित्रा सखी ने तब वो कृष्ण को नहीं जानती थी, कृष्ण से वो मिली नहीं थी, वो कृष्ण की बंसी सुन के उनसे मोहित हो गई थी। तो इसी समय चित्रा सखी ने श्री कृष्ण का बड़ा ही सुंदर चित्र प्रस्तुत करके उन्हें दिखलाया। तो इस अद्भुत सुंदर चित्र को देखकर राधा रानी सब कुछ भूल गई और इस अद्भुत सुंदर व्यक्ति पर अपने को न्यौछावर कर दिया। तो इसी समय श्री कृष्ण जो है सखाओं के साथ वो अपने घर में ऊपर खिड़की के ऊपर पास खड़ी होती हैं और फिर सामने देखती हैं कि जिसका चित्र बना के चित्रा सखी ने उन्हें दिया था वही बालक वही श्री कृष्ण सखाओं के साथ गोचारण करते हुए जा रहे हैं। तो उनके त्रिभंगी ललित परम मनोहर रूप छटाकू को देखकर वो अपने आप को संभाल नहीं सकी और इस परम सुंदर युवक पर अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। श्री कृष्ण गोचारण करते हुए दूर निकल गए। तो यहाँ पर श्रीमती जी बड़ी व्याकुल होकर सखियों से अपने मन की बात बताने लगी।
उनको ऐसे लगता है कि जो चित्र में मैंने जिसको अपना हृदय दे दिया वो अलग है, और ये जो कृष्ण को उन्होंने देखा है खिड़की से ग्वाल बालों के साथ गैया चराते हुए ले जाने के लिए, बहुत सारी गैयाओं को ले जा रहे हैं, तो उनको लगता है ये दोनों दो व्यक्ति हैं। तो इधर श्रीमती जी बड़ी व्याकुल होकर सखियों से अपने मन की बात बताने लगी। उन्होंने ललिता जी से कहा, सखी दी, अब मैं एक क्षण के लिए भी नहीं जीना चाहती। आर्य ललनाएं एक ही पुरुष को अपना हृदय समर्पण करती है, यहाँ तक कि माता पिता द्वारा वागदान दिए जाने पर कन्या उसी पुरुष को अपना पति मान लेती है। परंतु आज मैंने पहले एक वंशी वाले पुरुष को, तत्पश्चात दूसरी बार चित्रा द्वारा प्रदर्शित चित्र वाले युवक को, और तीसरी बार, यानी क्या होता है, पहले वो कृष्ण की वंशी सुनती है तो उनके ऊपर उनका हृदय आ जाता है राधा रानी का। सेकेंड टाइम चित्र सखी उनको कृष्ण का चित्र बनाकर दिखाती है तो वो उस रूप माधुर्य में खो जाती है कृष्ण के। और फिर तीसरी बार जब वो खिड़की से देख रही होती है तब वो देखती है कि कोई एक सुंदर युवा बालक है जिसके पास वो ढेर सारी गायों को लेकर चराने जा रहा है। तो अब उनको अपने ऊपर ग्लानि होने लगती है, उनको लगता है कि किसी भी स्त्री के लिए ये गलत बात है कि वो तीन तीन पुरुष से प्रेम कर रही है। यानी तत्पश्चात दूसरी बार चित्रा चित्रा द्वारा प्रदर्शित चित्र वाले युवक को, और तीसरी बार अभी अभी गोचारण करते हुए सुंदर युवक को, तीन पुरुषों पर मैं आसक्त हो गई हूँ। मेरा आर्य धर्म ही नष्ट हो चुका है, आज जीवित रहकर मैं क्या करूँ। तो श्री ललिता ये सुनकर बहुत जोर से ठहाका मारते हुए हंसते हुए बोलती है, अरे मुग्धे, तुम्हें मरने की आवश्यकता नहीं, ये तीन पुरुष नहीं है, एक ही है, मधुर वंशी बजाने वाला और कोई नहीं, श्री नंद नंदन श्री कृष्ण ही है, इन्हीं का ये चित्र है, तथा वे अभी गोचारण करते हुए इधर से निकले, अंत तुम्हें मरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह जो राधा रानी है वो जब भी किसी पे उनका हृदय आता है तो वो कृष्ण ही होता है, वो कृष्ण के अलावा और किसी कोई कोई उनका मन मोह नहीं सकता है। गहवर वन, द नेक्स्ट इज गहवर वन। तो यहाँ अपने नाम के सर्वथा अनुकूल सघन वृक्षों, लताओं, केली कुंजों तथा प्रिय प्रीतम की मधुर लीलाओं की एकांतिक विहार स्थली है, या शंख के आकार में स्थित है, और इसमें वल्लभाचार्य जी का बैठक भी है। और यहाँ पे वल्लभाचार्य जी ने श्रीमद् भागवत का पारायण भी किया था, और इसमें रास मंडल और राधा सरोवर भी है। और गहवर वन में बहुत से भक्तों की भजन स्थलियां भी दर्शनीय है, बहुत सारे भजन स्थली भी हैं यहाँ, क्योंकि ये बहुत सघन और अंदर है, यहाँ पे एकांत विहार मिलता है सबको, तो यहाँ पे बहुत सारी भजन स्थलियां भी हैं। गहवर आख्याय रम्याय कृष्ण लीला विधाई ने गोपी रमन सौख्याय वनाय चा नमो नमः। तो एक प्रसिद्ध भक्त नागरीदास ने अपने पदों में इस स्थान की लीला के विषय में ऐसा वर्णन किया है कि एक समय श्री कृष्ण सखाओं के साथ गोचारण कर रहे थे और पास ही खेत में हरे चने के पौधे लगे थे। तो उसे देखकर श्री कृष्ण के सखाओं के साथ कुछ हरे चने के पौधे उखाड़ लिया। उनके मित्रों ने, कृष्ण के सखाओं ने उन चने के पौधों को उखाड़ लिया, और इधर खेत की रखवाली नी को इसका पता चला तो उनको पकड़ने के लिए दौड़ पड़ती है। परंतु कन्हैया भला कब किसके हाथ आते हैं, बगल में हरे बूट दबाए हुए भागे और तेरे मेरे रास्ते से गहवर वन में आकर रुके तथा वहां अन्य सखाओं के साथ होरा बनकर खाने लगे। यानी होरा मैंने जैसे कभी उन्होंने चना देखा ही नहीं था, जीवन में पहली बार चना देखा है, और गपा खाने लग गए। तो जब वे सखाओं के साथ हंसते हंसते खेलते विनोद पूर्वक होड़ा खा रहे थे तो इतने में ग्वालिनी भी वहां पहुंची, किंतु कृष्ण की रूप छटा का दर्शन करके अपनी सुध-बुध खो गई तथा उसका क्रोध भी शांत हो गया, क्योंकि उसके ही खेत से उन्होंने चने चुराए थे। तो वात्सल्य भाव में मुग्ध होकर स्वयं ही चनों के छिलके उतार कर कन्हैया को खिलाने लग गई। और भक्त नागरी जी ने इस प्रसंग को इस प्रकार गाया है, चकसौली के चना चुराए गारी दे दौरी रखवारी, ग्वारिन सहित भूपाल भगे, हरे बूट दाबे बागिन बगलिन में, श्वास भरे वन गहवर आए,
कहत आतुरे बोलो लाल ऋग हसत हसत सब बरन चढ़ाए हरे चाबत को होरा करी उनकी लीला लाल लुभाए नागरिया बैठी छकी हारी छील छील नंदलालनी खिलाए। कृष्ण कुंड, अब हम कृष्ण कुंड के बारे में पढ़ते हैं। चारों ओर से लताओं से परिवेष्टित सघन वृक्षों से आच्छादित, यानी जैसे बीच जंगल के बीच में एक कुंड हो, इस तरह बहुत हरे भरे पेड़ हैं और चारों तरफ बहुत हरियाली है, बहुत ही रमणीय कुंज है और उसके बीच में कृष्ण कुंड है। तो जो वैष्णवगण है वो श्रद्धा पूर्वक इन कुंजों के परिक्रमा करते हैं तथा उनकी धूल में लोटपोट करते हैं। जैसे हमने गोवर्धन की परिक्रमा करते हुए भी लोगों को देखा है कि कैसे लेट लेट के परिक्रमा करते हैं, तो यहाँ भी कुछ इसी प्रकार से जो भक्तजन है वो धूल में लोटपोट होकर परिक्रमा करते हैं इस कुंज की। और यह कुंड जो है राधा कृष्ण की विविध लीला विलास का स्मरण कराता है और इसे गहवर कुंड भी कहते हैं। कृष्ण कुंड भी है और इसका नाम गहवर कुंड भी है। द नेक्स्ट वन इज दोहनी कुंड। दोहनी कुंड तो गहवर कुंड गहवर वन की जो पश्चिम वेस्टर्न साइड में है, तो समीप ही चिक्सौली ग्राम है, दक्षिण में स्थित है, यानी साउथ में दक्षिण चिक्सौली गांव स्थित है। यहाँ प्रकट लीला के समय वो दोहन संपन्न हुआ था और यह स्थान महाराज वृषभानु की लाखों गायों के रहने का खिड़क स्थान है, यानी जो उनकी लाखों गैया थी उनको यहीं पे रखा जाता था और यहाँ पे उनसे दूध धोया जाता था, यानी दूध निकाला जाता था, तो इसलिए इस जगह का नाम दोहनी कुंड है। तो एक समय गोदोहन के समय किशोरी राधिका खड़ी खड़ी गोदोहन का कार्य देख रही थी। वो देख रही थी कैसे दूध निकाला जा रहा है, दूध धोया जा रहा है। तो देखते देखते उनकी भी गोदोहन की इच्छा हुई, वे भी एक मटकी लेकर आई और एक गैया का दूध दोहने लगी। उसी समय कौतुक की कृष्ण भी वहां आ पहुंचे और बोले, सखी टोपे दूध काढ़वो भी नहीं आवे, ला मैं बताऊ। मैंने वो ब्रज भाषा में बोल रहे हैं, तो फिर दूध काढ़ो नहीं आवे, ला मैं बताऊ, मैंने तुझे दूध निकालना भी नहीं आता, ला मैं बताता हूँ कैसे निकालना। तो यह कहकर पास में ही बैठ गए और राधिका जी से उनसे कहा, अरे मोहन, राधिका रानी ने कहा, अरे मोहन मोए सिखा, यह कहकर सामने बैठ गई, राधा रानी भी वहां बैठ गई। तो कृष्ण ने कहा, अच्छो दो थन आप धुओ और दो मैं धुओ, आप मेरी ओर निगाह रखो, मैंने मुझे देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, वैसे वैसे आप भी करना। तो गाय का जो आगे का दो थन है वो मैं धोता हूँ, बाकी का जो दो थन है उसमें से आप निकालो और अपनी निगाह मुझ पर ही रखो। कृष्ण थिटोली करते हुए दूध की धार निकालने लगे और उन्होंने हठात एक धार राधा जी के मुखमंडल पे ऐसा मारा कि राधा जी का मुखमंडल दूध से पूरा भर गया और फिर तो आप भी हंसने लगे और सखिया भी हंसने लगी। तो इस तरह कृष्ण कोई भी ऐसे मौका नहीं छोड़ते थे जहाँ वो राधा रानी को परेशान ना करें। आमे सामे बैठ दो दोहत करत ठटोर, दूध धार मुख पर पड़त रिक भय चंद्र चकोर। दबरारो, दबरारो में यहाँ श्रीमती राधिका के दर्शन से कृष्ण की दोनों आंखों में आंसू भर आए, इसलिए वो दबदबी आंखें बोलते हैं। तो दबरारो शब्द अर्थ आंसुओं का दबदबाना है। अब इस गांव का नाम दबरारो है और यह स्थान बरसाने से 2 मील दक्षिण में है। रसोली, दबरारो से 1.5 मील दूर नैऋत्य कोण में रसोली स्थान है। यहाँ राधा कृष्ण का गोपियों के साथ सर्वप्रथम रसी रास संपन्न हुआ था और यह तुंग विद्या सखी की जन्मस्थली है। तुंग विद्या के पिता का नाम पुष्कर गोप और माता का नाम मेधा गोपी था तथा पति का नाम वालिश है। तुम विद्या जी अष्ट सखियों में से एक हैं। वे नित्य गीत वाद्य ज्योतिष पद्य रचना पाक क्रिया बहुत सारी चीज़ों में पारंगत हैं। पशु पक्षियों की भाषावेद यानी उनकी भाषाओं को समझती हैं। राधा कृष्ण का परस्पर मिलन कराना और आदि विविध कलाओं में पूर्ण रूप से निपुण हैं। नेक्स्ट इज मुक्ता कुंड। यहाँ श्रीमती राधिका ने कृष्ण के साथ विवाद कर मुक्ताओं का खेत बनाया था।
जिसमें प्रचुर रूप से मुक्ताओं को उगाया। यह चरित्र श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी के द्वारा रचित मुक्ता चरित ग्रंथ में विस्तार पूर्वक वर्णित है। इसके बारे में हम लोग ने पीछे भी पढ़ा था। पीली पोखर, इसे पीली पोखर या पियाल कुंड भी कहते हैं। इस कुंड के चारों ओर पीलू फल के वृक्ष हैं, इसलिए इसका नाम इसलिए भी इसका नाम पीली पोखर है। एंड दूसरा भी एक कारण है, ये जो जहाँ प्रचुर रूप में पीलू फल लगते हैं, श्रीमती राधिका यहाँ पीलू फल एकत्रित करने के बहाने आकर सखियों के साथ विविध प्रकार के खेल क्रीड़ा विलास करती थी। श्री कृष्ण भी नंदगांव से यहाँ आकर श्रीमती जी से मिलकर विविध प्रकार की लीलाएं किया करते थे। एक ऐसा ही प्रसंग है कि एक समय कीर्तिका कुमारी श्रीमती राधिका सखियों के साथ नंदगांव यानी राधा रानी अपनी माता कीर्तिका के साथ कीर्तिदा और अपनी सखियों के साथ यशोदा मैया के घर जाती हैं और वहाँ उनके पास बैठी हुई थी। तो यशोदा मैया राधा रानी के रूप गुण पर मुग्ध हो गई। उन्होंने मन ही मन अपने पुत्र श्री कृष्ण से विवाह कराकर उन्हें अपनी बहू बनाने की अभिलाषा की। इस विषय में वे इतनी अग्रसर हो गई कि उन्होंने किशोरी राधा जी के हाथ में पीले कर दिए यानी हल्दी लेकर उनके राधा रानी के हाथ में लगा दिया। तो किशोरी राधिका भी मन ही मन बड़ी प्रसन्न हुई, किंतु जब वे बरसाने में अपने पिता के घर वापस लौट रही थी तो उन्हें बहुत लज्जा आने लगे कि उनके हाथों में पीला कर दिया है। तो इसलिए वो रास्ते में इस पोखर के पास आती है और इस पोखर का जो जल है उसमें अपना हाथ मल मर कर धोने लगे, जिससे क्या हो गया, इस पूरे पोखर का रंग का जल पीला हो गया, इसलिए इसका नाम पीली पोखर या पीली पोखर हो गया। और पियाल नाम वृक्षों से घिरे होने के कारण भी इसे पियाल कुंड भी कहते हैं। कीर्तिका कुंड, कीर्तिदा कुंड या विष भानु कुंड के पास ही वायु कुंड में स्थित है। विष भानु राधा रानी के पिताजी हैं तो कीर्तिदा उनकी माता हैं। यहाँ पे श्री राधिका जी की मैया श्री कीर्तिदा जी नित्य स्नान करती थी और यह कीर्ति सरोवर के नाम से भी विख्यात है। नमा कीर्ति महाभागे सर्वेशाम ग्रौ जौ कसाम सर्व सौभाग्य दे तीर्थे सुकीर्ति सुकीर्ति सरसे नमा ब्रज भक्ति विलास ऋत विहत पराशर। तो ये उनका प्रणाम मंत्र है इस कीर्तिदा कुंड का। ब्रजेश्वर महादेव जो भानु सरोवर के पास ही वृष भानु बाबा आदि गोपो के द्वारा इष्ट सिद्धि के लिए स्थापित देवादिदेव महादेव की मूर्ति है। ब्रजवासी लोग अपने हित के लिए इनकी पूजा करते हैं। ऐसी एक लोक गाथा है, जनश्रुति है कि किसी समय कुछ ब्रजवासियों ने इस देव मूर्ति को वहां से हटाकर किसी और प्रशस्त जगह में ले जाना चाहा, लेकिन जैसे जैसे लोग खुदाई करते गए वैसे वैसे इस महादेव जी का स्वरूप और भी गहराई में बढ़ता चला गया। मैंने वो खोदते जा रहे थे लेकिन वो मैंने उसका फाउंडेशन खत्म ही नहीं हो रहा, वो महादेव जी का जो नीचे का गहराई है वो बढ़ता ही जा रहा है और वो खोदते जा रहे हैं और मूर्ति बाहर ही नहीं हो रही है। तो वे लोग इसकी गहराई को कोई नहीं पा सके। अंत में उन लोगों ने इस स्वरूप को निकालने का विचार छोड़ दिया तथा महादेव जी से क्षमा प्रार्थना करके इनको यहीं पे विराजमान रहना उचित समझा। नेक्स्ट इज प्रेम सरोवर। बरसाने में नंदगांव जाते समय रास्ते में एक मील की दूरी पर यह कुंड विराजमान है। कुंड का आकार नौका की तरह है, बोट की भांति है और चारों ओर हरे भरे कदम वृक्षों से ऐसे सुंदर से सजा हुआ है मानो प्रेम ही मूर्तिमान होकर कुंड के रूप में विराजमान हो, साक्षात प्रेम का स्वरूप है। तो यह स्थान परम मनोहर तथा भक्तों के चित्त को आकर्षित करने वाला है, इतना सुंदर है यह स्थान। ये श्रीमती राधिका और श्री कृष्ण के क्रीड़ा विनोद का स्थल है। विशेषता ये श्रीमती राधिका के प्रेम वैचित्र भवोदय का स्थान है। तो यहाँ पे ये लीला इस तरह है कि एक समय श्री राधा कृष्ण युगल ललिता आदि सखियों से परिवेष्टित यानी सबसे घिरे हुए होकर विविध प्रकार के प्रेममय लीला विलास में मग्न थे। तो उसी समय एक भ्रमर एक भौरा
बम्बल बी श्रीमती राधिका जी के मुख कमल के पास आकर इधर उधर उठता हुआ उनके मुख मंडल पर बैठना चाहता था, उनके चेहरे पे बैठने की कोशिश कर रहा था। तो वह उनके मुख मुख को कमल समझकर, यानी उसको ऐसे लग रहा था कि राधा रानी का जो चेहरा है वो कमल का पुष्प है और उसका मकरन, मैंने उसका जो हनी है वो पीना चाहता था। इसलिए वह बार बार मुख के चारों ओर मंडरा रहा था राधा रानी की। तो श्रीमती जी भयभीत होकर अपने मुख मंडल को अपनी दोनों हाथों से ढक लिया और उसे भगाने की चेष्टा करने लगी, लेकिन वो भाग नहीं रहा था। तो राधिका जी उड़बीन देकर, राधा रानी को ऐसा इस तरह परेशान होता देखकर मधुमंगल जी ने आकर अपनी लाठियों से उसे बहुत दूर भगा दिया तथा वह लौट कर इस प्रकार कहने लगा कि मैंने मधुसूदन को यहाँ से बहुत दूर भगा दिया। जो बम्बल भी होता है उसको मधुसूदन भी बोलते हैं। तो वो मधुमंगल कृष्ण का फ्रेंड है। जब वो देखता है राधा रानी परेशान हो गई है उस बौरे से, वो उनके चेहरे पर बार बार इधर उधर मंडरा रहा है, तब वो उसको लाठी लेके उसको दूर भगा देता है और कहता है राधा रानी को कि मैंने मधुसूदन को यहाँ से बहुत दूर भगा दिया। तो या वह यहाँ से चला गया, मैंने मधुसूदन यहाँ से चला गया, अब नहीं लौट के आएगा। तो मधुमंगल की बात सुनकर कृष्ण की गोदी में बैठ कर भी, यानी वो कृष्ण के पास ही बैठी थी राधा रानी, और फिर जैसे ही मधुमंगल कहता है कि मधुसूदन को मैंने भगा दिया, अब वो कभी लौट कर नहीं आएगा, तो राधा रानी को ने ऐसे समझा कि कृष्ण मुझे छोड़ कर चले गए। वो कृष्ण के पास बैठी है, उनकी गोदी में बैठी है, और फिर भी वो सोच रही है क्योंकि मधुमंगल ने ऐसे बोल दिया, तो उनको ऐसे लगता है कि कृष्ण अभी मुझे छोड़ के चले गए, अब वो कभी नहीं आएंगे। तो वे हाय हाय करती हुई विरह से कातर हो गई। उस समय वे समझ ही नहीं पाई कि भ्रमर का भी एक नाम मधुसूदन है। वे बारंबार ही हा प्राणनाथ कहाँ चले गए, हा प्राणनाथ कहाँ चले गए, इस प्रकार रोदन करने लगी, रोने लग गई। तो ये राधा रानी का प्रेम है कि वो सिर्फ उन्होंने सुना कि मधुसूदन चला गया, अब कभी लौट के नहीं आएगा, तो वो विरह में पागल सी हो गई और रोने लग गई। तो ये ऐसा प्रेम होता है। राधिका जी के इस अद्भुत प्रेम वैचित्र भाव को देखकर कृष्ण भी यह भूल गए कि मेरी प्रियतमा राधिका मेरी गोद में है। वे भी हा प्रिय कहकर रुदन करने लगे। दोनों के नेत्रों से अश्रु जल और शरीर से पसीने का जल इस प्रकार निकलकर बहने लगा कि उससे यह सरोवर पूर्ण हो गया और तथा दोनों मूर्छित हो गए। उनकी ऐसी दशा को देखकर सखियां भी अचेतन हो गई, वो भी बेहोश सी हो गई। और उस समय श्रीमती जी का की सारिका श्री राधा नाम और सुख श्री कृष्ण नाम का जोर जोर से उच्चारण करने लगे। जो सुख है जो तोता है और जो सारी है जो फीमेल पैरट है, वो दोनों जोर जोर से राधा रानी और कृष्ण का नाम पुकारने लगे। वाणीकार श्री माधुरी जी ने इस लीला को बहुत ही सरसता के साथ वर्णन किया है। इस प्रकार दोनों का नाम एक दूसरे के कानों में प्रवेश करता है और दोनों ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर वे परस्पर एक दूसरे को सकृष्ण नयनों से देखने लग गए। इस तरह क्रमश सखिया भी चेतन होकर जय जय शब्द करने लगे। फिर तो आनंद की कोई सीमा ही नहीं रही। तो इस तरह वो दोनों एक दूसरे का नाम सुन के होश में आते हैं और इसी तरह सखिया भी कृष्ण और राधा रानी का नाम सुन के वापस उनकी चेतना लौट आती है। यहाँ पर श्री कृष्ण ने विचार किया कि मैं निकट रहकर भी अपनी प्रियतमा श्रीमती राधिका जी की विरह वेदना शांत करने में असमर्थ रहता हूँ। भावी विरह के ताप से वे सदा झुलसती रहेंगी, यानी आने वाले समय में वे और भी ज्यादा विरह सहने वाली हैं। इन्हें समझाने का कोई उपाय नहीं दिखता। जब मैं इनसे दूर होता हूँ तो ये विप्लम्ब अवस्था में मेरा चिंतन करते करते भाव में विभोर हो जाती है तथा तमाल वृक्ष से हंस कर आलाप करती है। और उन्हें लगता है राधा रानी को जो तमाल वृक्ष है, तमाल वृक्ष का रंग और कृष्ण का रंग दोनों सेम है ब्लू कलर का, तो वो राधा रानी के पास जब कृष्ण नहीं होते हैं तब वो इतने ज्यादा कृष्णमय होती हैं कि वो तमाल वृक्ष को ही कृष्ण समझ लेती हैं और उसको ही आलिंगन करके उनसे हंसती हैं, उनसे बातें करती हैं और सखियों के साथ विनोद करती हैं और कभी मान भी करती हैं और उस तमाल वृक्ष से मान भी ले ली कर लेती हैं। तो इस तरह हम इसके आगे की कथा कल पढ़ेंगे। और
मैंने राधा रानी का जो विरह है वो कैसा है उनका, जब कृष्ण कृष्ण पास है बस ये आभास में वो जी लेती है और कृष्ण नहीं है ये सुनकर वो बेहोश हो जाती है, रुदन करने लगती है। तो ये बहुत ही हाई लेवल प्रेम है उनका। ठीक है, तो हम कल इसके आगे की परिक्रमा करेंगे।